तो गुड आफ्टरनून, अभी बज रहे दोपहर के 1 और मैं 2-3 दिन से अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो भी ब्लॉग्स आपने पहले देखा वो मतलब पहले का ही बना हुआ था। 25 दिसंबर तक लास्ट भाई बनाया था ब्लॉग। उसके बाद जो मेरा तो तबीयत है, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो उसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज मेरा आवाज़ भी थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे कोल्ड हो चुका है और कफ भी हो गया थोड़ा। तो भाई का ही ब्लॉग आज मतलब 2-3 दिन आएगा, देखिए जब तक मैं ठीक हो जाता हूँ। मैं एक बार अपडेट करने के लिए आपको बता रहा था बस, क्योंकि कल के लिए हमारे पास कुछ वीडियो नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मोड़ा स्टार्ट कर ही देते हैं, क्योंकि अभी कुछ इम्प्रूव हुआ है मेरा हेल्थ। तो देखते हैं, अभी मेरा हेल्थ जैसा ठीक अगर हो जाता है तो उसके बाद मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू फिर से करूँगा, और तब तक के लिए भाई अभी ब्लॉग करेगा। तो चलिए भाई को अपडेट देते हैं, ब्लॉगिंग वो अपना कंटिन्यू करके पूरा ब्लॉग कम्प्लीट कर लेगा। तो मिलते हैं आपको जब भी मैं मतलब थोड़ा फ्री मतलब ठीक ठाक लगेगा हेल्थ, तो अब मैं आपसे जरूर मिलूंगा। तो अभी फिलहाल बज रहे हैं 2 और अभी हमारा खाना आ चुका है। खाने बना है मटर और आलू की सब्जी और रोटी है ये, और ये है मिठाई जो कि नानी घर से आया था। तो अभी मैं छत में बैठा हूँ और यहाँ पे अभी अंडा बन रहा है, भैया बना रहा है, तो देखिए तो इसको खाएंगे अभी और फिर जाके कोको को नीचे लेके जाएंगे। कोको बहुत दिन से नीचे गए नहीं है, तो देखते हैं आज का कैसा रिएक्शन रहेगा नीचे जाके। ठंड का मौसम में अंडा खाने में बहुत मज़ा आता है, और वैसे भी मुझे थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा था, तो अंडा खाने से फिर वो एनर्जेटिक हो जाऊंगा मैं, तो तबीयत भी कुछ ठीक लगेगा। ये देखिए हमारा अंडा रेडी हो रहा है, अंडा और रोटी। मैं भी नीचे हूँ और ये देखिए कौन है हम लोग साथ। कोको इधर आ, सुंगने बिजी है, अभी बांधी हुई है, चलिए इसको खोलते हैं पहले। आओ आओ इधर, खोल दिया मैंने इसको, आओ कोको जल्दी आ। और भैया भी यहीं पे है, लो इसको पकड़ो, तो यहाँ साइड में रख देते हैं, छोड़ो। ये देख कोको क्या कर रही है, कोको कोको डर रही है, सबको डरा रही है, सबको डरा भी रही है, सबसे डर भी रही है। मम्मी आओ बुला रही, आओ जा जा जा, हरजीत को काटने जा, जा काट ले जा। ये देखिए हम लोग का घर पिंक पिंक हो चुका है लाइट लग के, न्यू ईयर का तैयारी चल रहा है अभी हम लोग के घर में, न्यू ईयर की तैयारी हो रही है। कोको सबको सुन सुन के डरा देती है, नो कोको नो, कोको कोको बाहर आने के बाद किसी का नहीं सुनती है, बाहर आती है तो एक तो हम लोग बहुत दिन के बाद इसको लेके आए, फिर भी बाहर आती है तो पूरा सूंघने का कोशिश करती है कि पूरा रोड रोड सूंघने लगती है, पूरा मोहल्ला में सबको इसको प्यार करता है। ये देखिए डरता भी है और खिलाना भी चाह रहा है। अरे नीचे आओ, नीचे डरता क्यों है, आओ नीचे को जा, दोस्ती कर ले जा, आटा खा ले, आटा खा ले जाके। अरे डर गए कोको भी सबको इससे डरता, और ये कोको कोको भी सबसे डर जाती है। मम्मी चिल्ला रही है ऊपर से, मम्मी को खोज रही है। अरे कहाँ जा रही है, उधर से रास्ता नहीं है, उधर से रास्ता नहीं है। कोई फिलहाल बहुत डर चुकी है और अंदर जाने का कोशिश कर रही है, वापस ऊपर जाने की कोशिश। यहाँ पे जितना भी बाइक वाइक जा रहा है सबसे डर जा रही है, ये देखिए। तो और हम सोच रहे हैं कि इसको मतलब थोड़ी देर रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सोशलाइज कराना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के लोग को अगर कभी आएगा तो काट ना ले, इसलिए देखते हैं अभी यहाँ पे मतलब थोड़ा रहेगी तो अच्छा है। देखिए थोड़ा थोड़ा इसका डर खत्म हो रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और मेरा हेल्थ जो है वो अभी थोड़ा इम्प्रूव हो गया, इसलिए मैं नीचे आया हूँ। जा जा घूमो, जा जा आ इधर, हम लोग भी उधर जाएंगे तो ये आएगी, चलो चलो आओ चलो।
चल कोको चल, ऊपर थोड़ी चढ़ पाएगा, ही पैर में चोट लगा, चोट लग जाएगा, इधर से आ जाओ। पैर में चोट कैसे लगा? गिर गया। कोको का दोस्त आया है, ये आई इसे मिलने। खुश होते होते उल्टा हो जाती है। आओ आओ दोस्ती कर लो, आओ कस के नहीं काटती, आओ आओ आओ, डरो मत इसे, आओ। बात कर रहा ना, वो काटती है, कस के नहीं काटती है, ज्यादा मत डरना। बाबू सोच लेना, धीरे से काटेगा, लेकिन काटेगा और पैर से खून निकल जाएगा। सबको ये डरा दे रहा है, चल जा रहा है दोस्त, जा रहा है। चल ले लो, दूसरा कुत्ता होगा तो लड़ाई वड़ाई करना पड़ेगा ना, पकड़ना बांधना पड़ेगा इसको। सब कोको का पुराना दोस्त है। अरे मत करो, गुस्सा हो जाएगी अभी। अरे बाबा ये तो अपने डर रही है। तो अभी फिलहाल कोको को हम लोग ने ऊपर ले आया और ये आके सीधा सो गई यहाँ पे। बहुत थक गई थी ये बेचारी खेल खेल के बाहर, इसीलिए आते ही सो गई। हम लोग अभी पेट भर गया, हम लोग भी जा रहे सोने अब। तो इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय।